वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव में रेत माफिया और प्रशासन का एक दूसरे का सहयोग, यह मुद्दा हमेशा चमकता ही आया है। कभी कोई समाज सेवक तो कभी कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, इन्होंने यह मुद्दा लगातार उठाया है, लेकिन कोई भी कुछ साबित नहीं कर पा रहा था। शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह साबित कर दिया कि जलगांव के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जलगांव के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दीपमाला चौरे को उनके सहयोगियों के साथ पकड़ लिया। जळगावच्या प्रांत मॅडम आहेत चौरे म्हणून, त्यांच्यावर कारवाई झालेली, सविस्तर तुम्हाला आमच्या पेपर वर झाल्यानंतर कळवतो। पण काय विषय सर, विषय काय? तक्रारदारांनी कायदेशीर वाळूच्या पावत्या असताना एमआयडीसीला गाड्या लावलेल्या होत्या, व्हेरिफिकेशनच्या नावानं डिमांड केलेला आहे आणि 1,25,000 रुपये खाजगी माणसाच्या मार्फत स्वीकारले आहे। मामला शुक्रवार का है, जब शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी की टीम जाल फैलाकर जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में पहुंची थी, और जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिपिक के सहयोगी को 1,25,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद समूचे जिलाधिकारी कार्यालय में हलचल मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिकायतकर्ता रेत की ढुलाई का काम करता है, और जिसके दो वाहन सरकार ने पकड़कर पुलिस स्टेशन में जमा कर लिए थे, उसी वाहन को छोड़ने और छुड़ाने के प्रयास में एसडीएम कार्यालय की ओर से 2,00,000 रुपए की घूस मांगी गई थी, और तड़जोड़ के बाद 1,25,000 रुपए की घूस लेते हुए प्रांत अधिकारी दीपमाला चौरे के लिपिक के साथी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद अब आगे की कार्यवाही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है। इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए एसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर संजोग बच्छाव, हेड कांस्टेबल अशोक अहिरे, मनोज जोशी, सुनील सिरसाठ, प्रवीण पाटिल, नासिर देशमुख और ईश्वर धनगर ने जाल बिछाया एवं एक्शन लिया था। केस की जांच एसीबी के एसपी सुनील कड़ास ने, डीवाईएसपी नीलेश सोनव ने और डीवाईएसपी जीएम ठाकुर के मार्गदर्शन में जलगांव के एसीबी के पुलिस निरीक्षक संजोग बच्छाव कर रहे हैं। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।